लखनऊ में कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव और मध्य जोन के अध्यक्ष अनस रहमान ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 100 बेरोजगारों में से 83% युवा है। पर्चिया लीक का मामले पूरे पकड़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें 2014 से 2020 तक दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। वही 2021 में भी 3 महत्वपूर्ण पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। वही कांग्रेस की युवा न्याय पत्र में प्रावधान है कि पेपर लीक योजना पर लगाम लगाया जाएगा, साथ ही दिसंबर तक 50 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने जो उत्तर प्रदेश व देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जिस तरह से पर्चे लीक हुए हैं उनको बताया है। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके ये बता दिया है कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी का मुद्दा है, और निश्चित तौर पे उसके लिए हम लोग युवा न्याय लेकर के आए। युवा न्याय में स्पष्ट तौर पे है कि हम लोग केंद्र में जब हम लोगों की सरकार आएगी तो पेपर लीक के मामले में अगर कहीं भी किसी भी राज्य में 2013 में एक रिपोर्ट आई थी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, तो ये जो स्वरोजगार का बुलबुला बनाया इन्होंने, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं 70% के आसपास उसमें ऐसे लोग हैं जो पहले ही इस चांस पर उसको छोड़ देना चाहते हैं, मतलब उनकी कोई कमाई नहीं है उससे, वो तो किसी तरीके से इसलिए गुजर बसर कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली है, ना उनके पास कोई पूंजी है, ना उनके पास कोई तकनीक है, ना उनके पास कोई सोच है कि हमको स्वरोजगार चलाना है, बस वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2024 में सबसे ज्यादा भर्ती पेपर लीक हुए हैं। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती पेपर लीक हुआ है। मार्च 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ है। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई है और पर्चा लीक हो गया है। जुलाई 2020 को शिक्षक भर्ती पेपर लीक हुआ है। इतना हल्ला मचा था लेकिन इन लोगों ने माना नहीं था कि ये पर्चा लीक हुआ है। शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में जब से इन लोग आए 2017 से जब से इन लोग आए एक भी इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला है। सारी जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें भी 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है और उसका भी पर्चा लीक हुआ है।